हेलो दोस्तों, आज IMDF के साइट पे अब जब जाएंगे तो 31 अक्टूबर का अपडेट आया हुआ है कि अब हम लोग सीधा जेबी सीआईबी की बात करेंगे। यहाँ पे जेबी सीआईबी एसओबी डीएबीएफ ठीक है, इन सभी का एग्ज़ाम दिसंबर में रखा गया है ठीक है, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लिक कर दीजिए, आपको डिटेल्स दिख जाएगा। एक उन्होंने PDF बनाया है, लिखा है कि टेंटेटिव डेट जो है कोविड एनवायरनमेंट को देखते हुए बनाया गया है। इसमें गाइडलाइंस है कुछ, तो बोल रहा शेड्यूल जो होगा JIB DBF SOBC CIB CIB इलेक्टिव्स का दिसंबर 2020 के लिए सेंटर बेस्ड फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट है, कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका आ गया JIB का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। शेड्यूल किया गया है 11/1/2020 को, जो शेड्यूल डेट था एग्ज़ाम होना था, मतलब इस दिन को पोस्टपोन्ड हो गया। अब कब होगा भाई? अब 1 महीना 5 दिन के बाद, यानी 6 दिसंबर 2020 को होगा ठीक है। उसी तरीके से जो आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स है, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। अब ये जो होगा आपका 8/11 को जो एग्ज़ाम होगा, मतलब 12/12 को होगा। अब लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का 22/11 को होना चाहिए, 13/12 को होगा आपको एग्जाम। क्लियर हो गया बात? अब इन सभी चीज़ का यहाँ पे लिखा है कि 9 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगा, 15 नवंबर 2020 तक नॉर्मल फीस भरा जाएगा, 16 नवंबर 2020 से लेकर 22 नवंबर तक आप फीस भर सकते हैं। नॉर्मल फीस के साथ आपको 100 रुपये का दंड यानी 100 रुपये का पेनाल्टी भरना होगा। अब आइए यहाँ पे CIB का ABM का जो 6/12 को होना था वो 20/12 को होगा। तो CIB में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा ही दिन का अंतर दिख रहा है, मात्र 14 दिन का अंतर है। और CIB का BFM जो होगा ये 13/12 की जगह 26/12 को होगा। CIB का जितना भी इलेक्टिव है ठीक है, जो 20/12 को होना था 27/12 को होगा। इसका भी नवंबर का जो डेट चालू है 9 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक नॉर्मल फीस लगेगा। सेम डेट है, JIB CIB को दोनों को सेम दिन रखा गया है, 16 नवंबर 2020 से 22 नवंबर 2020 तक आपको फीस सेम लगेगा, प्लस 100 रुपीज़ आपको फीस अलग से लगेगा। ये सारा डिटेल्स ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि जो कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है JIB DBF SOB एग्ज़ाम के लिए मई 2020 में, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, और वो इस एग्ज़ाम में बिल्कुल एलिजिबल हैं, दे सकते हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। देख लिया आपने, क्लियर हो गया ना ये बात? फिर सेंटर वेन्यू बैच जो सिलेक्ट किया गया है कैंडिडेट के द्वारा, जिस समय रजिस्टर किया गया था मई 2020 में, वो चेंज भी हुआ है। वो क्या हो गया? मे हैव चेंज, चेंज हो सकता है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। जो रेवेन्यू होगा, सॉरी जो रिवाइज्ड लेटर है न्यू सेंटर वेन्यू बैच, वो अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। फिर कैंडिडेट जो होगा डाउनलोड कर सकता है रिवाइज्ड एडमिट कार्ड को। फिर कैंडिडेट यहाँ पर ट्रांसफ़र, कुछ कैंडिडेट ऐसा जो ट्रांसफ़र हो गया वर्क रिक्वायरमेंट की वजह से, तो सेंटर वेन्यू बैच भी ज़रूरत के हिसाब से वो चेंज कर सकता है। चलिए, एक अच्छी बात हो गई है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। बोलता है चेंज जो करना है सेंटर की वेन्यू के बेच सब्जेक्ट है, अवेलेबल सीट की कितनी अवेलेबिलिटी है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। लिंक को एक्टिव कर दीजिएगा 3 नवंबर 2020 से लेकर 8 नवंबर 2020 तक में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यही एक नोटिस आया हुआ था यहाँ पर, और क्या है काम का चीज़। बाकी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस तो चलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। गाइडलाइंस मैं आपको क्या करूँगा, ये सारा कुछ मैं आपको एक PDF इसी वीडियो के नीचे डाल भी दूंगा, आप देख लीजिएगा ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको क्लैरिटी समझ में आया होगा ठीक है। थैंक यू।